ये होता है हमारा बाद में ऐड। और फ्रेंड्स सब मैंने आज कर लिया है। अब बेसिकली तो मैं दिन में रिकॉर्ड करती हूँ। क्यों खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी, मैं थक के सो गई कि कब देगी पता नहीं। देखा आपने। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं यूजुअली मॉर्निंग में रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, बट तीन चार दिन से मैं तबीयत सही नहीं थी, मेरी सेट नहीं थी, तो थोड़ा मेरा कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा कोई तबीयत खराब नहीं थी, बट ये था कि मैं ब्रेक ले रही थी कि आराम से फिर जब मूड स्विंग्स जिसको आप कह सकते हैं कि कभी दिल कर रहा करूँ कभी दिल कर रहा नहीं करूँ, तंग आ रही हूँ, चल क्यों नहीं रहा चैनल, क्यों वायरल नहीं हो रही, बस वो वाला हाल था। सो मैंने कहा अभी नहीं छोड़ो, एक हफ्ता ज़रा छुट्टी लो। तो मैं थी छुट्टी पर और फिर मैं एनर्जेटिक हुई आज शाम से, और मैंने अंबर से कहा मैं तुम्हें मज़ेदार सी रेसिपी खिलाती हूँ। अंबर कह रही कल मैं मार्केट भी गई, कल मैं मार्केट गई और मैं मार्केट से लेकर आई बैंगन, गोभी, भिंडी, आलू, प्याज तो ये यूजुअली मेरे घर में होते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना अंबर को बहुत पसंद है। भिंडी गोश अंबर को बहुत पसंद है, अंबर को गोभी गोश बहुत पसंद है, आलू बैंगन बहुत पसंद है, और कल मैंने पेट भर के खाना खाया है। कल मैंने चावल बॉईल किए थे और आलू बैंगन बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। और अभी अंबर कह रही है मुझे उसके साथ खाना है पराठा, तो मैं अभी आटा गूंथ के बनाऊंगी पराठा अंबर के लिए। चाय हमारी रेडी है। अच्छा ये कब तो आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा। सॉरी, ये ना मेरी अम्मी का कपरेज है और ये तकरीबन 35 ईयर्स ओल्ड है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ईरान का है, ये ईरानियन मेलामाइन का सेट था, तो बड़ा ही इंग्लिश मुझे ये लगा था। ये देखिए ईरान का है, बेटर। और चाय भी बड़ी मजे की है, पता मैंने एवरीडे से चाय बनाई है आज। मैं ले जा सकती हूँ बाजी, बाजी हमें दे दें। ये देखिए हमारे यहाँ रेसिपी रिकॉर्ड होने के बाद ये सब कुछ होता है। So, और कुछ शेयर करना? बस बात अभी अपना देखिएगा रेसिपी कैसे लेकर भागेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अंबर के पाँव में बहुत हद तक बेहतरी है, 90% तक अंबर को सुकून आ चुका है पैर में, अब इतना पेन वेन नहीं है। और देखिए गर्मी पसीने कितने आए। अब मैं गूनूंगी आटा, आटा गून के मैं बनाऊंगी रोटी, रोटी नहीं सॉरी अंबर के लिए पराठा, क्योंकि अंबर खाएंगी आलू बैंगन से पराठा। फिर मैं आपको अपने आलू बैंगन जो मैंने कल पकाए थे तो उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, अंबर खाती भी आपको रिव्यू देगी कि आलू बैंगन कैसे बने थे। बड़े ही मज़े के, बड़े ही चटपटे, खट्टे अचारी टाइप के आलू बैंगन। मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी भी है, अगर आप लोगों ने देखनी हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा मशमाला व्लॉग और उसके आगे लिख दीजिएगा अचारी आलू बैंगन और आपको मेरी वो रेसिपी मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अच्छा मैं आप लोगों को क्या बता रही थी वो देखिए ज़रा, कैसे लोग भागे हैं अपनी चाय और ये लेके, और देखें जार भी लेकर बैठ गई कि जल्दी से बच जाना, इसमें भर दो और ये ना सौगी ना हो जाए। बट ये होंगे नहीं, ये इतने क्रिस्पी बनते ना, ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। और मैं आपको बैक कैम से दिखाती हूँ, देखें ये देखिए है ना, बहुत प्रिटी लग रही है ये, आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए हम लोग दुनिया में खाना खत्म करना है। अंबर अंबर कोई नहीं, हमारे खानदान का ये उसूल है। नहीं उसूल नहीं, मकसद है हयात मेरा मजबूत आता है, ददियाल ददियाल मेरा मकसद है हयात, तो मेरे ददियाल में सब मसला। ये तो खैर मैं स्नैक्स करती हूँ, वहाँ तो मेरी मम्मी हैरान होती थी मेरे ताया की माशाल्लाह से, माशाल्लाह तीन रोटी के बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अम्मी की रोटी के ना चार निवाले। ये बिल्कुल सच बात है। मेरे सब कजन ऐसे, मेरे सब कजन ताया, और बकायदा पता है आपको वहाँ पे हमारे ना शर्त लगती थी कि ये ना कौन पहले तसला बिरयानी का खत्म करेगा, पुलाव बिरयानी ये वो जोरदार, तो भाई तसलों के तसले चल रहे होते और हम लोग तो दो तीन निवालों के बाद फुस हो जाते थे कि नहीं भाई हमारा नहीं है उनसे मुकाबला। एकदम मैंने मुकाबला किया था अमजद भाई की शादी में, पापे खाए थे इतने पापे गिर गई थी मैं। So, आगे जो जो आपके साथ शेयर करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो इस वक्त हो चुकी है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 11,
और ऐसा था कि रात को अंबर ने पराठा नहीं खाया क्योंकि अंबर का पेट भर चुका था और उसने बोला मेरा दिल नहीं करा पराठा खाने का, तो सुबह नाश्ते में बना देना। सो इस वक्त मैं बनाऊंगी उसके लिए नाश्ता और पराठा बनाते हैं और चाय बनाते हैं। उसको स्कूल भी जाना है सो स्कूल की भी तैयारी करते हैं। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंबर लव हियर मॉर्निंग में देखे अंबर लव हियर। सबसे पहले गूंद लेंगे आटा, जब तक अच्छे से मुखिया ना लगे। आटा कहाँ गूंदता है माइंड नहीं करती थी। आटा गूंदने में सिर्फ सीधे हाथ का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे हाथ को यूज नहीं करते। इसमें क्या लॉजिक है? आटा गूंद लिया है मैंने, इसको रखेंगे 10 मिनट रेस्ट के लिए, उसके बाद बनाते हैं पराठे। तब तक मैं चढ़ा देती हूँ चाय। और देखिए कल मैंने ना ये जो उसके एंगल्स होते हैं चूल्हे के, ये भी सब कलर किए थे ब्लैक ना, डार्क ब्लैक कलर के। ये थोड़े से गंदे हो जाते हैं, कितना ही वॉश करो कितना ही साफ करो साफ ही नहीं होते। तो फिर मैंने अंबर से मंगवाया था पेंट और मैंने इनको कल पेंट किया था। देखिए कैसे चमक रहे हैं चूल्हे में, लश हो गए। सो अब मैं चढ़ाती हूँ चाय, इंडक्शन ऑन करती हूँ, उससे बड़ा ही फायदा हुआ है। इंडक्शन लगा के दिया है जिसकी वजह से सारा हीटअप सब कुछ बाहर निकल जाता है और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती कुकिंग में भी। चीनी बहुत कम यूज करती हूँ मैं चाय में, छोटे वाला स्पून मैंने डालते हैं सिर्फ 3 और हम पीते हैं बड़े बड़े चाय के मग्स। ये मैं और अंबर दोनों भर भर के पीते हैं, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन हम लोग चीनी बिल्कुल भी नहीं लेते, ना होने के बराबर लेती हूँ मैं, और अंबर को भी मैंने मना कर दिया कि ज्यादा चीनी नहीं लो। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय, अब यहाँ चढ़ेगा तवा और हम बनाएंगे पराठे। जिस तरह से मैं पराठे बनाती थी बिल्कुल वैसे ही पराठे मैं आपको बताऊंगी बनाना। मैंने थोड़ा सा मंगवाया था चक्की का आटा, अदरवाइज मैं मंगवाती हूँ फाइन आटा पराठों के लिए, बड़े ही मजे के पराठे उससे बनते हैं। अच्छे से लगाने के बाद
खूबसूरत खूबसूरत हमारा पराठा बन चुका है। मैं अपना भी बनाती हूँ और फिर हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। ये रहा हमारा यमी यमी आलू बैंगन, इसको करेंगे हम माइक्रोवेव। आ गई हमारी पानी की बोतल, चाय और पराठा, और वहां से हम बरवाजे दे दिए नाश्ते के लिए। चाल देखो थोड़ा सा दर्द है लेकिन इतना नहीं है कि बर्दाश्त ना हो सके। मेरे फेवरेट पराठे पराठे ये किसी की मिमिक करती है तो ये पराठे बोलती है। माय फेवरेट ऑल टाइम। और ये रही मजेदार चाय, अभी बस मैं निकाल लूं ये सालन गर्म हो जाए। तो देखो जब भी मैं कहती हूँ इस रूम से आओ तो लाइट ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन मुझे ब्रेड देती है ना पराठे, और मुझे ना रात के सालन के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते गाइस। और मैं आपको कल रात से बता रही हूँ ये पराठा पराठा करी थी, और रात को फिर उसके बाद इन्होंने बोला नहीं मैं अब सुबह खाऊंगी, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैंने वो स्नैक्स इतने खा लिए थे ना, इतने सारे खा लिए थे तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और मुझे गाइस ये जो साबुत लाल मिर्च होती है ना ये बहुत पसंद है। और यकीन जाने ये जो बैगन की डंडी होती है ना, इट्स माई हार्ट। माउथ वाटरिंग हो रहा है। जवाब नहीं है इस खाने का, जवाब नहीं। पराठे देखिए कितने खूबसूरत बनाती है मेरी बहन। और अभी हालांकि चक्की का आटा है, वरना मैं बनाती हूँ फाइन आटे के, बहुत मजे के कुरकुरे से बनते हैं। और जट तो इतने दीवाने हैं, बस उनको पराठे दे दो, कुछ भी मत दो खाने में, चाय पराठा। मेरी जिंदगी, लोग मुझे कमेंट्स करते कि आपके हस्बैंड बहुत लकी हैं, इतने अच्छे अच्छे खाने खाते आ रहे हैं, उनको शौक ही नहीं है, बस वो चाय पराठे के दीवाने। ओ गाइस दिस इज सलाद पनीर, क्या जबरदस्त सा पराठा। पहले सादा खाते मजा ले, वो तो आप सादा भी खा जाएंगे, इतना मजे का पराठा होता है। लेकिन मुझे सालन के साथ अच्छा, आई लव सालन। और बैंगन इज बाय जान, हर किसी को सालन अच्छा लगता है। सलाद पनीर वो हो गया, चाय चाय जेड भी बोल रहे थे उस दिन, मगज लाऊंगा मगज बनाना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ये देखिए अंबर ने अपना जार स्नैक्स का अपने सामने भर के रखा हुआ है। देखे ये ऑफ द कैमरा ही हो रहा था, दुपट्टे उतार के फेंक दिए जाएंगे और बस नाश्ते में टूट पड़ेंगे। फ्रेंड्स ये थी मेरी आज तक की अपडेट, जो भी हमने किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अंबर इस वक्त स्कूल जा चुकी है, लाइट चली गई थी तो मैंने कुछ और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। अभी अभी लाइट आई है तो मैंने कहा कि मैं वीडियो का एंडिंग पार्ट ले लूँ, आप लोगों से अलविदा ले लूँ। और
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी रूटीन जो भी होती है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।